और बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोती गई है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कुछ अराजक तत्वों ने यह काम किया। पटना में आज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन है और ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि पोस्टर पर विवादास्पद टिप्पणी लिखी गई है। पटना में हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले ही रात के अंधेरे में कुछ अराजक तत्व आए हैं और ये काम करके गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर पर विवादास्पद टिप्पणी लिखी गई, और इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री की जो तस्वीर उस पोस्टर पर लगी थी उस पर कालिक भी पोती गई है। आपको बता दें कि आज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे साथ चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, ये किस तरीके से किया गया, पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए पटना के हम इनकम टैक्स गोलंबर पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं यहाँ पर जो उनके आगमन पर स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए थे, इस पोस्टर पर कालिक पोत दिए गए हैं। और न सिर्फ यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर पर, लगभग जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं उन सभी जगहों पर कालिक पोत दी गई है और उस पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई है जिसको शायद देखकर जो हनुमंत कथा में पहुंचने वाले लोग हैं उनकी नाराज़गी ज़रूर बढ़ेगी। एक और ये दूसरा पोस्टर है जहां पर उनके स्वागत के लिए ये पोस्टर लगाया गया था और ये जो आयोजक मंडल हैं उनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, ये विवादास्पद टिप्पणी इस पर की गई है। तो वहीं चंद्रमोहन, ये जगह जो कार्यक्रम स्थल है उससे कितनी दूर है, और इस जगह के बारे में भी बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे हैं तब से एक और खेमा है जो काम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है जहां पर ये पोस्टर लगे हुए हैं उनके आगमन पर स्वागत के लिए, और उसके बाद इस पर रात के अंधेरे में लोग पहुंचे हैं और उसके बाद उसके ऊपर विवादास्पद टिप्पणी की गई है, और साथ ही जो धीरेन्द्र शास्त्री का पोस्टर और फोटो लगा हुआ है उसके ऊपर कालिक पोत दी गई है। और इसी तरह की तस्वीर अभी पटना के लगभग ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिल रहा है जहाँ पर उनके आगमन को लेकर जो पोस्टर लगाए गए थे जिसमें उनके स्वागत के लिए लिखा गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं पटना में हनुमंत कथा के लिए, और उसी पोस्टर पर ये तमाम जगहों पर विवादास्पद टिप्पणी की गई है और उसके बाद उनके पोस्टर पर कालिक पोत दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर तरेत मठ है यहां से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है, जहां पर बाबा यहां से जाते हैं और उसके बाद वो कथा वाचन करते हैं और फिर वहां से वापस लौटकर पटना की ओर आते हैं, और पटना से जब वो निकलते हैं और तरेत पाली जहाँ पर तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, इन सभी जगहों पर उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। पहला दिन उनके आने से पहले शहर में कई जगहों पर पोस्टर को फाड़ दिया गया था और उसके बाद उसको हटाने की भी कोशिश की गई थी, और अभी आज रात के अंधेरे में कुछ लोग पहुंचे हैं और उसके बाद असामाजिक तत्व की बात की जा रही है कि जांच की जाती है, क्योंकि पटना में अभी भी कार्यक्रम चल रहा है, लाखों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं और पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ऐसे में दो धड़े अगर आमने सामने आते तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। बहरहाल चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।